सभी को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इटली का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई मेरे YouTube चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नई नई वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिलती रहें। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, मैं भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपने कैसे अप्लाई करना है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कहाँ से अप्लाई करना है और इसका जो प्रोसेस है वो कितने महीने लग जाते हैं इसको अप्लाई करने के लिए, और जो वीज़ा कॉस्ट है वो कितनी आपको पड़ेगी, और जो एम्प्लॉयर है वो आपने कहाँ से ढूंढने हैं, और जो साइट्स है एजेंसीज की वो मैं आपको इसमें सब बताने वाला हूँ। तो गाइज़, पहले स्टार्ट करते हैं कि आपने कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो भाई, जिसके पास एक्सपीरियंस है 2 से 3 साल का या 4 साल का, तो भाई वो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यूरोप की चाहे किसी भी आप कंट्री में अप्लाई करो, ज़रूरी नहीं कि आपने इटली में ही अप्लाई करना है, बट आज की वीडियो में मैं आपको इटली के बारे में ही स्पेशल बता रहा हूँ। तो आपको अगर आपके पास फॉरेन का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है। जैसे आपके पास गल्फ़ का हो गया, दुबई, बहरीन, कतर, सऊदी, कहीं का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत अच्छा है, आपके वीज़ा चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा है, वो बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपकी एक्सपीरियंस की बात। तो इसके लिए पहले तो आपको आपका CV एंड कवर लेटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका CV एंड कवर लेटर यूरोपियन स्टैंडर्ड में होना चाहिए, और यूरोपियन स्टैंडर्ड का अगर आपको CV कवर लेटर चाहिए तो आप मेरे से बनवा सकते हैं, उसकी मामूली सी जो कॉस्ट है वो पड़ती है। अगर आप खुद बनाना चाहते हो ऑनलाइन आप बना सकते हो, अगर किसी और की आप हेल्प लेना चाहते हो तो भाई वो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका मेन रहता है CV एंड कवर लेटर, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर है हमेशा CV एंड कवर लेटर ही देखता है और उसके बाद ही आपको वीज़ा अगर आपको देना है तो देता है, ठीक है। तो ये होगी आपकी CV कवर लेटर की बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाई कितना लेंथी प्रोसेस है, कितना महीने लग जाते हैं इसमें। तो भाई अगर सीजनल वर्क की हम लोग बात करें तो जैसे अपने वहाँ पे खेतीबाड़ी है तो उसके जो वीज़ा है वो आ जाता है आपका 1 मंथ से 45 डेज में आ जाता है वो, ठीक है। सीजनल वर्क वीज़ा, वो वीज़ा रहता है आपका 6 महीने का 9 महीने का, ठीक है। उस वीज़ा पे आप जाते हो पक्के पेपरों पे, फिर आप वहाँ पे जाके अपने जो पेपर होते हैं इटली के पेपर, पक्के पेपर, वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीजनल वीज़ा। अगर आपको चाहिए भाई लॉन्ग स्टे वीज़ा, 1 ईयर वीज़ा, ठीक है, नॉन सीजनल वीज़ा, तो इसमें भाई बहुत सारी जॉब आ जाती है नॉन सीजनल वीज़ा में। कंस्ट्रक्शंस हो गया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी का हो गया और नर्सिंग का हो गया, मतलब बहुत सारी फील्ड्स इसमें आ जाती है आपकी नॉन सीजनल वीज़ा में। जो 1 साल का वीज़ा होता है आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हो, ठीक है। ये होगी आपकी वीज़ा की बात। और इसमें जो आपका टाइम लगता है, इसमें आपका 2 से 3 महीने से 4 महीने 5 महीने भी इसमें लग जाते हैं, क्योंकि ये होता है नॉन सीजनल वीज़ा, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती कि भाई आप कब आने वाले हो, उनको जब नीड होगी तो वो लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद 3-4 महीने बाद बंदा पहुंचता है वीज़ा लगाने के बाद। तो यहाँ से जो भी ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं आपको प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बाद आप वहाँ पर VFS में अपनी कंट्रीज़ में वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो भाई अभी लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि मैं अभी चल रहा हूँ पैदल ड्यूटी के लिए। मैंने सोचा यार चलो आज वीडियो भी बना लेता हूँ और पैदल भी चल लूँगा, क्योंकि अगर रूम में वीडियो बनाए तो यार तो डेली डेली मज़ा नहीं आता। तो गाइज, अभी तो होगी वीज़ा की बात कि कौन कौन से वीज़ा पे आपने अप्लाई करना है। तो भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जो भी फील्ड का तो आप उसी ही फील्ड में अप्लाई करें, ठीक है। अप्लाई कहाँ से करना है ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें और उसके ऊपर अमल करें, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप फॉलो करें, उन डॉक्यूमेंट्स को
रेडी करें, ठीक है। तो भाई इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपका पासपोर्ट ज़रूर होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। बिना पासपोर्ट के आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपके एक्सपीरियंस लेटर होने चाहिए आपके पास, ठीक है। जहाँ भी आप काम कर रहे हो पूरे डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी करके रखें, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप रेडी करके रखें, वो बना के रखें अच्छी खासी, ठीक है। और अगर आपके पास फॉरेन का वीज़ा लगे हुए हैं तो भाई उन वीज़ाज़ को भी आप अलग से प्रिंट करा के रखें, ठीक है। पीडीएफ फाइल में सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर आपके पास फॉरेन में वहाँ की टीआरसी कार्ड है तो भाई उसको भी आप अपने एक्सपीरियंस काउंट में दिखा सकते हो। ये हो गया, ठीक है। और बाकी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, डिप्लोमाज है, जो भी आपके आते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपने लगाने हैं इसमें। आपके जो आधार कार्ड वगैरह हो गया वो लगाना है, पैन कार्ड वगैरह सब, आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपने सब लगा देने हैं भर भर के। तो ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। तो भाई अभी इसमें चार्ज कितना लगता है, तो भाई वैसे तो 26 यूरो फॉर्म का लगता है जो इटली का फॉर्म भरा जाता है, बट बाकी का जो चार्ज है वो डिपेंड करता है एजेंसीज के ऊपर, वो आपको कितना चार्ज करती है। अगर आपको वीज़ा मिल रहा है तो भाई अगर आप 5-4 हज़ार यूरो अगर आप उसको दे रहे हो एजेंसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप यूरोप में एक बार एंटर कर गए तो भाई आपके पास 26-27 कंट्रीज़ हो जाती है घूमने के लिए, ठीक है। और आपको जो भी कंट्री अच्छी लगती है आप वहाँ पर जा कर के काम है वो कर सकते हैं। ये होगी आपके पैसों की बात। तो भाई अभी अगर मेरे से इसमें कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो भाई आप ज़रूर मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं उस पॉइंट को कवर करूँगा किसी और वीडियो में, अगर आपको कुछ भी जानना है और आपने कहाँ से अप्लाई करना है। तो भाई अप्लाई करने के लिए ये साइड में एजेंसीज के नाम आ रहे हैं, यहाँ से आप पिक करो नाम और यहाँ पे आपने जा करके अप्लाई करना है, उनसे बात करनी है, उनको ईमेल भेजनी है। वहाँ पे आपको जॉब का ऑप्शन होते हैं अप्लाई करने के लिए, वहाँ जाके आपने जॉब अप्लाई करनी है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। वहाँ पे आपने गूगल पे जाना है, तो वहाँ पे आप जब इन साइट्स पे जाओगे वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। जॉब्स अलग अलग आएगी तो उन पे स्क्रॉल करना है और चेक करना है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो जिसमें भी आपकी जो फिट बैठ रही होगी जॉब वहाँ पे अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको अपना सीवी कवर लेटर अपलोड करना है और आपकी जो डिटेल होगी बेसिक वो वहाँ पे डालनी है। ये सब चीज़ें डालने के बाद आप उनको सेंड कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, फिर बाद में आपको वहाँ से रिस्पॉन्स है वो आएगा। रिस्पॉन्स आता है तो फिर आगे का आपका जो प्रोसेस है वो लोग आपको बता देंगे, जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी और जैसे जैसे प्रोसेस होगा। तो भाई ये थी फुल डिटेल और कैसे आपने अप्लाई करना है वो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में सब क्लियर कर दी है। बट अगर फिर भी आपका कुछ डाउट होगा इस वीडियो में, मेरे से कुछ छूट गया हो या फिर कवर नहीं हुआ है, तो भाई वो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, वो पॉइंट मैं किसी दूसरी वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ सभी को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।